मेकवाइज होम्स एज डेवलपर्स, ओके एज डेवलपर्स, जैसे आज दशहरा के दिन था तो हमने इसीलिए चूज किया कि ये दिस इज नॉट ओनली अ स्टेप के एक डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ऑल्सो अब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेकवाइज का यही माइंड सेट है कि एक हमारा ड्यूटी है टुवर्ड्स आवर नेशन, टुवर्ड्स ऑल द सिटीजन, जिनको हम प्रॉमिस करते हैं कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर हाउसिंग इन एवरी वन नोज इन अ सिटी लाइक बॉम्बे हाउसिंग कितना इंपॉर्टेंट है, वॉट अ हाउस मीन्स टू अ कॉमन मैन. So at Makewise we understand that, we think financially, emotionally and design wise we try to give the best that's possible out there. So that's the reason we hire the best that's out there and try to deliver our best as well. मोस्ट ऑफ द डोर से ढाई साल हमने सोचा है क्योंकि ऑलमोस्ट हमने सब रिलेटेड म्यूनसिपल कमीशन डिपार्टमेंट्स एंड एवरीथिंग, मतलब हमने NOC वगैरह कलेक्ट कर ली और मुझे हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे आजू बाजू के एरियाज में हमें इतना मतलब हर्डल्स नहीं आएंगे, आसानी से हम उस चीज़ को ग्रोथ कर सकेंगे. कस्टमर्स तो वी हैव ऑलरेडी बुक्ड ऑल द यूनिट्स, रेस्ट ऑफ सम यूनिट्स या 90% बुकिंग इज ऑलरेडी डन, सो वी डोंट थिंक सो वी हैव एनी प्रॉब्लम, सो वी कैन मेक एज सून एज पॉसिबल दिस प्रोजेक्ट. बेसिकली द आइडिया इज दैट द यूएसपी दैट Makewise Homes हैज, हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर डेवलपर्स आउट देयर इन द मार्केट, इज दैट वी टेक केयर ऑफ एनी लीगल परमिशंस वेरी वेल, उसको बहुत ध्यान देते हैं, उस पर स्पीडली जितना हो सके हम अपना डॉक्यूमेंटेशन सही रखते हैं, तो दैट्स हाउ यूएसपी गिव स्पीड, वी वर्क एज फास्ट एज पॉसिबल. एंड ऑल्सो दिस प्रोजेक्ट इज वेरी कस्टमर फ्रेंडली, एज यू ऑलरेडी सॉ द वॉक थ्रू वीडियो, इट्स वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एट अ वेरी गुड पोजिशन, दैट्स द रीजन दैट वी आर हैविंग 90% बुकिंग्स ऑलरेडी. देयर आर ऑब्वियसली अ फ्यू फ्लैट्स लेफ्ट एंड होपफुली देयर गो ऑफ एज वेल इवन बिफोर वी हैव कंप्लीटेड आवर स्ट्रक्चर, सो दैट इज द आइडिया. सो ऑब्वियसली लुकिंग फाइनेंशियली द प्रोजेक्ट इज डूइंग रियली वेल. कमिंग टू द अदर पार्ट, Makewise Homes ऑलवेज हैज पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन टू परमिशंस, म्युनिसिपल ड्रॉइंग्स एंड ऑल ऑफ दैट. बेसिकली भाग्यश्री मैम को चुनने का कारण मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, उनके वर्ड में उनके नाम में ही कुछ एक यूनिक चीज़ है, भाग्य और श्री. मैं देखो Makewise का मतलब है कि Makewise अपनी क्रिएटिव डेवलप करना, अनुविज्ञान का मतलब है छोटे छोटे सूक्ष्म कण से अनुविज्ञान का एक मतलब चीज़ बनता है, अनुविज्ञान मतलब एक तरह से अपने इंडिया एशिया के लिए वो सपोर्टेबल एक डिपार्टमेंट है. और भाग्यश्री का भाग्य और श्री दोनों मिक्स करके मैंने सोचा कि उनको चूज करना मेरे लिए बहुत अच्छा है, और वो बेसिकली महाराष्ट्रन भी है और एज ए बॉलीवुड एक्ट्रेस भी है, दैट्स व्हाई आई चूज द भाग्यश्री. इससे बुक करना है वो किस तरह से आप लोग से कॉन्टेक्ट कर सकता है या कैसे आप? वेरी सिंपल, वी हैव इंस्टाग्राम आउटलेट्स, वेबसाइट्स ऑलरेडी, इफ राइट नाउ एनीवन वांट्स टू बुक तो हमारे आउटलेट्स भी रेडी है, टेंट्स में सेल्स टीम वहाँ पे अवेलेबल ही है, सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स राइट फ्रॉम इंस्टाग्राम, ट्विटर विच इज नाउ आल्सो कॉल्ड एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप नंबर्स हर जगह अवेलेबल है, यू जस्ट कॉन्टैक्ट अस एंड आवर सेल्स टीम विल डू द रेस्ट, सो नो हेडेक्स, वी विल मेक इट एज सिंपल एज इट इज फॉर यू. ट्रैवल फ्रेंडली, इट्स वेरी ट्रैवल फ्रेंडली एक्चुअली. अगर आप देखें तो पास में जो रेलवे ट्रैक है मानकोट एंड गोवंडी, बोथ द स्टेशंस आर 5 मिनट्स फार अवे, इफ यू लुक एट द मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे दैट इज आल्सो एट अ डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम 10 मिनट्स, इवन द मुंबई वेज एंड द अदर स्मॉलर हाईवेज दैट आल्सो 10-15 मिनट्स के डिस्टेंस पे, यहां से आपको इजीली यू कैन गो ऑन द हाईवेज एज वेल. लास्टली व्हाट डू यू से, आपका आशीर्वाद बने रहे, इसके अलावा और भी चल रहा है क्या सबके ऊपर बात में बताना चाहिए Look at this whole land parcel and develop it to our best of our abilities. आप किस लास्ट कुछ पॉइंट्स बोलना चाहेंगे जनता को करने के लिए?
दर्शिता के लिए क्या विषय है या कुछ? सो वी जस्ट हैव अ वेरी सिंपल थिंग वी से दैट इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर वेरी लकी एरिया वेरी गुड प्लॉट दिस इज द फ्यूचर दैट्स कमिंग टुवर्ड्स दीज एरियाज सो कम एंड बुक इन बी अ पार्ट ऑफ द फ्यूचर बी अ पार्ट ऑफ अनु विज्ञान बी अ पार्ट ऑफ मेकवाइज थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू